हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का क्लास टेंथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस पेपर पैटर्न प्लस आप लोग का जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला 2023 में उसका भी पेपर पैटर्न लेकर आ चुका हूँ। अगर आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर आप लोग का एग्जाम होने वाला, तो आप लोग अगर इस चीज़ को जो मैं आज पेपर दे रहा हूँ अगर इस चीज़ को भी आप लोग तैयार कर लेते हो, पूरा अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हो, तो 100% आप लोग का ये भी पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो देख रहे हो किस तरीके से पेपर आएगा और कितने नंबर का क्या आएगा, पेपर पैटर्न सब कुछ बताने वाला हूं। सैंपल पेपर आप लोग समझ लो। इसके लिए आप लोग को बोलूंगा कि चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखोगे सबसे पहले आप लोग का हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस आप लोग को मालूम है, 28 नंबर का आप लोग का हिस्ट्री होता है और आप लोग का पॉलिटिकल साइंस आप लोग का रहता है 12 नंबर का। तो आप लोग देखोगे इसे फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2022, तो क्या होता है, कौन कौन सा किस तरीके से क्वेश्चन आता है, सब कुछ बताने वाला हूँ। बस आप लोग क्या करना, अच्छे तरीके से वीडियो देखोगे तभी समझेगा, अदरवाइज आप लोग सोचोगे बीच में भगा के देख लो तो आप लोग कुछ भी नहीं समझेगा। बाद में कमेंट करोगे सर क्या यही पेपर आएगा, क्या आएगा, तो आप लोग बहुत कमेंट करते हो। इसके लिए मैं बोलूँगा आप लोग पूरा 10 मिनट का वीडियो रहेगा थोड़ा सा, बट क्या है आप लोग पूरा देखो, 100% आप लोग पूरा नॉलेज मिल जाएगा किस तरीके से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का पेपर आता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहता है उसे ए रहता है, सबसे पहले ये 3 नंबर के लिए रहता है। और इसमें देखोगे 3 आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिया रहेगा, आप लोगों को उसे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुन के लिखना रहेगा। तो आप लोग पूरा अच्छी तरीके से मैं दिखाता हूँ, बस आप लोगों को बताने कोशिश करता हूँ किस तरीके से आप लोग पेपर आता है। देखोगे इस तरीके से 3 आप लोगों क्वेश्चन आएगा आप लोगों के सामने और 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जो ऑप्शन इसमें से राइट है इसे आप लोग लिख देना रहेगा। 3 नंबर इस तरीके से आप लोगों को इजिली मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को देखोगे बी वाला इसी में रहता है, आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर, आप लोग को आइडेंटिफाई करना रहता है। 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से कौन सा रॉन्ग पेयर है उसी को आप लोग को राइट मतलब उसको आप लोग को लिखना रहता है। बस आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड द फॉलोइंग दिस रीराइट, मतलब जो रॉन्ग पेयर है बस उसी को आप लोग को लिख देना रहता है, बस इस तरीके से आप लोग को। दूसरा ये भी 3 आता है, 3 नंबर के लिए रहता है। अब देख रहे हो इसे दूसरा भी इसी तरीके से रहेगा आप लोग को, इसे आप लोगों को चुन के बस गलत जो है उसको आप लोग लिखना रहेगा। देख रहे हो आप लोग इजिली मैं पूरा आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप लोग क्या करना अच्छी तरीके से वीडियो को देखना और आप लोग लास्ट तक देखो, 100% आप लोग पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग को बताने वाला, कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर और बोर्ड में भी। अब देख रहे हो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड रहता है उसे ए रहता है, इसमें भी आप लोग इसे दिया रहता है, आप लोग कंसेप्ट फॉलोइंग द मतलब आप लोग कंप्लीट करना रहता है, आप लोग को इसे फिलिंग द एक्टिविटी के थ्रू दिया रहता है, इसे से एनी टू करना रहता है, मतलब 3 दिया रहेगा एनी टू करना रहेगा, दो दो नंबर के लिए इसे आप लोग को भरना रहेगा। जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ अगर ये भी आप लोग कर लिए तो 100% मैं बोलता हूँ आप लोग का जो पेपर हो रहा है स्कूल में फर्स्ट सेमेस्टर उसमें भी अच्छा नंबर आ जाए, क्योंकि आप लोग का फर्स्ट फिफ्थ लेसन मैं इसमें लिया हूँ 4 तक और उसमें सिविक्स का भी इसी तरीके से लिया हूँ पॉलिटिकल साइंस का। अब देख रहे हो इसे तीसरा भी आप लोग को जो आएगा एनी टू करना है, तो तीनों में से आप लोग 2 कोई भी कर सकते हो। अब उसे आता है बी क्वेश्चन में, दूसरे में बी रहता है, वो भी आप लोग का इसे शॉर्ट नोट आता है, इसे एनी टू करना रहता है, मतलब 3 दिया रहेगा, 3 या 4 दिया रहेगा, उसमें से आप लोग को सिंपल से 2 करना रहेगा, मैं 4 दिया हूँ बट इसे 3 ही आते हैं, 3 में से 2 कोई करना रहता है, 4 नंबर 2 नंबर के लिए रहता है। अब क्वेश्चन नंबर जो तीसरा आप लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर तीसरा, उससे आप लोग का एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रीजन एनी टू, मतलब आप लोग को एक्सप्लेन करना रहता है, स्टेटमेंट आप लोग को करना रहता है, मतलब देना रहता है रीजन, उसके बिहाइंड रीजन एनी टू करना रहता है, आप लोग का 2 नंबर के लिए रहता है। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन पूछा जाता है। देख रहे हो 4 क्वेश्चन दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंस आप लोग के बोर्ड के लिए भी है और आप लोग को स्कूल के लिए भी है। तो और मैं आप लोग को दिखाता हूँ, अब आप लोग देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 रहता है उसे आप लोग को ये पैसेज दिया रहता है। देखो मैं वो पैसेज नहीं लिखा हूँ बट आप लोग को बता रहा हूँ कि उसे रीड द फॉलोइंग एक्सटेंट मतलब एक पैसेज दिया रहता है, पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ना रहता है, 3-4 क्वेश्चन दिया रहता है, उसका आंसर आप लोग को लिखना रहता है, बस 4 नंबर इजिली आप लोग को मिल जाता है। और उसके नीचे देखो क्वेश्चन नंबर जो 5वां है आप लोग देख रहे हो, 5वां क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल में लिखना रहता है आप लोग को, इसमें से 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें से आप लोग को सिर्फ 2 क्वेश्चन करना रहेगा, आप लोग को 3-3 नंबर के लिए रहता है, 3-3 नंबर के लिए रहेगा। आप लोग मैं 4 क्वेश्चन दिया हूँ, इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आप लोग करोगे 100% आप लोग पूरा नंबर मिल जाएगा। देख रहे हो आप लोग क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से नोट डाउन करके अच्छे तरीके से लिख के आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करो, 100% फर्स्ट सेमेस्टर में 40 में से 40 आएगा मैं आप लोग को जितना दे रहा हूँ। लास्ट में एक चीज आप लोग को बताऊंगा, अगर वो पूरा आप लोग देखोगे तो लास्ट में जो बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला, बस आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चन जो 6 है,
अब इसे आता है आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का, देख रहे हो चॉइस द करेक्ट, मतलब चूज करके अपने चुन के अपनों को लिखना है। इसमें भी चार ऑप्शन रहता है, दो दिया रहता है इजिली, और इसे आप लोग को चुन के आप लोग लिखना रहता है। इस तरीके से दो क्वेश्चन आप लोग को दिया रहता है, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ दो नंबर, ये पॉलिटिकल साइंस का है क्योंकि आप लोग का 12 नंबर का ही आता है पॉलिटिकल साइंस। अब देख रहे हो जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का सातवां है, क्वेश्चन नंबर जो सातवां है उसे ट्रू फॉल्स रहता है, बट उसके स्टेटमेंट रीजन भी लिखना रहता है, क्यों राइट है क्यों रॉन्ग है, वो अगर नहीं लिखोगे तो, क्योंकि आप लोग एनी टू करना रहता है, दो दो नंबर के लिए रहता है, चार नंबर के लिए रहता है, तो इसके लिए आप लोग एक राइट और रॉन्ग भी एक नंबर मिल जाता है, और एक नंबर आप लोग को स्टेटमेंट अगर उसका लिखते हो तब मिलता है। तो इसके लिए मैं बोलूँगा आप लोग उसके रीजन बिहाइंड रीजन क्यों रॉन्ग है क्यों राइट है उसको भी आप लोग लर्न कर लेना। उसके बाद आप लोग देख रहे हो नीचे क्वेश्चन नंबर जो आठवां है, आप लोग इसमें आप लोग को लिखना राइट द फॉलोइंग द कंसेप्ट, मतलब एनी वन करना रहता है, इसको आप लोग को अच्छे तरीके से समझाना रहेगा, दो नंबर के एनी वन करना रहेगा इस तरीके से। और आप लोग को उसी में बी आता है, बी आता है डू एंड डायरेक्ट, मतलब आप लोग को एक आप लोग एक्टिविटी के माध्यम से दो क्वेश्चन दिया रहेगा, आप लोग को एनी वन करना रहेगा, दो क्वेश्चन दिया रहेगा बट आप लोग एनी वन करना रहेगा इस तरीके से। देख रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही मैं आज आप लोग को बता रहा हूँ, और ये बोर्ड आप लोग बोर्ड में प्लस आप लोग फर्स्ट सेमिस्टर में भी आने वाला है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से करना। और देख रहे हो इस तरीके से, और मैं आप लोग को दिखाता हूँ क्या चीज़ आता है, किस तरीके से पेपर पैटर्न होता है, सब कुछ बता रहा हूँ सिंपल पेपर के थ्रू ही बता रहा हूँ आप लोग को अच्छी तरीके से, क्योंकि इसी तरीके से आप लोग स्कूल में आने वाला फर्स्ट सेमेस्टर और बोर्ड का 2023 में जो होने वाला पेपर इसी तरीके से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का आने वाला है। अब देख रहे हो क्वेश्चन नंबर जो 9 और लास्ट क्वेश्चन रहता है आप लोग पॉलिटिकल साइंस का, इसमें देखो आंसर इन द ब्रीफ, मतलब एनी वन करना रहता है, तीन दिया रहता है, आप लोग कोई भी एक करना रहेगा और दो नंबर के लिए रहेगा। इस तरीके से आप लोग का पूरा जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का था पूरा मैं आप लोग को पेपर पैटर्न ही पूरा अच्छी तरीके से बता दिया, और फर्स्ट सेमेस्टर में बस इतना आप लोग ये पेपर सॉल्व करके जाओ 100% आप लोग का अच्छा नंबर आएगा। और मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहता हूँ जो बोला था मैं कि आप लोग लास्ट में बताऊंगा, जिससे बहुत ज़्यादा आप लोग को बेनिफिट बनने वाला है कि आप लोग का पेपर के लिए, तो आप लोग को बोलना चाहूँगा क्योंकि चार चार लेसन आप लोग को आ रहा है बहुत कम, और हिस्ट्री में आप लोग को इंपॉर्टेंस सिर्फ एक्सरसाइज करके जाओ, क्या करके जाओ सिर्फ एक्सरसाइज, क्योंकि आप लोग को ये बीच से क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछता है हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में कभी बीच का क्वेश्चन नहीं आता, बस आप लोग एक्सरसाइज का फिलिंग द ब्लैंक्स मैच द कॉलम जो जो दिया है बस एक्सरसाइज करके जाओ, और कहीं से भी मत करो बस एक्सरसाइज करके जाओ 100% आप लोग 40 में 40 आएगा। अगर ये वीडियो आप लोग थोड़ा भी अच्छा लगा रहे तो आप लोग कमेंट करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी सब्जेक्ट का आप लोग का पेपर पैटर्न या आप लोगों को इस फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर चाहिए तो आप लोग 100% कमेंट करना है, उससे मैं सिंपल पेपर 100% आप लोगों को बना के HDTech चैनल प्रोवाइड करूंगा 100%। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना क्योंकि और लोगों की हेल्प हो सके, क्योंकि अपना टारगेट है कि हर बच्चा अच्छी तरीके से पढ़े अच्छा नंबर कैरी कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।